तालियां में या कैसे कि तोहे लगे भोला क्या बात है, लव यू। अभी ये कर लेते हैं, हम कसम गीत गा देती हूँ। कौन लगाना है भैया, एकदम सच्चाई मत बतो जाइए, बुरा लगता तो बोलियो तो नहीं मानते भाई। कसम गा देती है कि फटा ना देखा के जिया ही आगे तो देखा खाली एक लाइन के लिए देख ले किरे करती से कि का में ढेर हमने जैसे गड़बड़ा के लिए तो गड़बड़ा के ना है हमने के बढ़िया लाइन में जाकर एगो गीत हम कर लिए सर, तो हमें सुन ले भाई जे जे सुन लेबे ताली बजा के एक लाइन कहबे तो भी सुन लेबे बता दियो। वो गनवा के ढेर बटा कॉपी कर लेते जिस समय हम छोटे हलिए और गीत गाइले हलिए कि कैसन ये ले चुका दादा कैसन ये ले चुका दादा कैसन ये ले चुका भैया भैया है। अच्छा सर सर बताइए गनवा के भी सुन ले ना, अगर मैं ढेर बटा कॉपी करके गए थी लेकिन अच्छा लग गया चल अच्छा गरमा छोटे लिए तकने के लिए तो ये गरमा में तकने के लिए नहा करल थी और कहिए भांग और भोला ना तने कही हो तो सबको कहते कि ये कहते कि हमारा करे ले कोकरा करे सब के काम करिए सबको जितना माए बहने सबको और भाई लोग सबको झूमे के कैसे काम है कि तो है जे लगे भोला हरे तो जगत के गुला अरे जग हम तो के गोला भांगर भोला खाली तब हम मौसी अभी तक बजते थे और हंसू है हंसो ना ठीक है मौसी पूरा फाती में लीन हती और कैसे छूटते हुए कब है तो है जे लगे भोला तो तक खड़ा हो जाते तो मजा आ जाते लजा के लगे ना कोई दिक्कत ना तो है जे लगे भोला तो है जे लगे भोला जगह तक ये बोला अरे जगह तक ये बोला भोले दुवारी देखा भी दिखाते लगा अरे भी दिखाते लगा प्रेम से बोले शंकर भगवान के और कैसे काम है भैया झूमते हुए अब पता लंबा लंबा अब पता लंबा लंबा Thank you.
अब देखे भजन चलो करो तो हमार जो कुछ चाची लोग उठ के लागू जा रहा थे बसा गए कि तखनी के लिए तो बात कही है कह दिए भैया तनिक कुछ कहा तब न हो कुछ बोल दिए अपन चाची लोग के लिए माय बहन के लिए कुछ बोल दो ये स्केच चल रहे हैं कैसे का चल जाब करो थी भजन सुनब ना करो थी ओकर लिए की गे है दीदी आगे जान के डूबले गे अरे सुना ले ना पढ़िया से भजन गे दीदी आगे जान गे कैसे का भैया मैं झूमा झूमता के बाबा ये है चाची यार ये जान के डूबले गे ठीक से हम तो वैसे तो कह रही है थोड़ी काम समझो क्या चलो लेट खाली दत्ते ना बुझल के देखी आसमान लागू है थैंक यू भैया एक आदमी ही तो एक भी सही तो लेकिन अच्छा लेट के पास रहा हम गलती करो ये बोलने चल जाएंगे और हमारे कैमरा में दादा कहने का कम से कम फोकस करते हैं तभी ना लेट में दम लाइट में जरा दत्ते तो देर जोर लगती है तो कैसे का भाई की है चाची अरे जान के डूबले अरे सुना ले ना ठीक से भजन हो चाची अरे जान के डूबले कैसे कर भैया देखी खाली जे है ना खाली हमारे जितना चाची लोग है खाली एक बार तोहनी थपड़ी बजा के थोड़ा सा एक बार आशीर्वाद दियो खाली तोहनी बस 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 हाँ समझ गए कितना करो और तोहनी बम करो एक बार तोहनी थपड़ी बजा के आशीर्वाद दियो अब पता चल गया हमारा कि कहना ज्यादा भीड़ ज्यादा है कहीं कम भीड़ से ज्यादा लेकिन यह से ले हाँ ये विश्वास ना ना सुने का फिर से सुने एक बार और बताइए आप टॉनी की सुन तो देखते हैं टॉनी मैंने हमारा कहना लागू प्रॉब्लम थोड़ी है आप यहाँ से बताइए ऐसा लागू तो फिर मच्छर तो कैसे कब अरे चाची अरे जान के डूबले हो इखने बारे में गली है बोल हमने बारे में कुछ गलती थी एक बार थपड़ी बजा के आशीर्वाद है कि ना ठीक लग रहा है कि ना तो सही रिस्पॉन्स दबे था ना अच्छा लग रहा है कैसे कि बहुत सारे कलाकार और आए थे तो सबके सुने के है बाकी हमने अभी तो पूरा दम जब तक टोनी है तब तक हम यहाँ रह गए जखने ले चाहे तखने ले पूरा दे गए बस खाली टोनी सुने खातिर तैयार रही है ना तो प्रेम से बोले शंकर भगवान के देखे बीच बीच में थोड़ा जयकार जरूरी है तबे ना पता चलता कि तोहनियों भी सुनब करो है ना पता चलता कि खाली हमने गाय करी तो नहीं ध्यान है ना दिल करो है अब कैसे कहे के है
हेलो जी। अच्छा माँ का भजन सुना दे कि भोले बाबा कहें कि सुना दे, जैसा आप लोग कहिए। फरमाइश में कर रहा था नहीं पूछिए खोटा मैंने कैसे भजन सुना खोजा था नहीं, माँ के सुना दिया कि भोले बाबा ना बोलो आए था यकरा देखा कि इंग सुने खोजा जाना है। अरे हर सन जला बात चढ़ाने वे आई बा इतना डेंजर भाई हमारा थी ना सुने भाई सुने भाई एक प्यारा सा गीत सुना दे बात सुने भाई। एक एक रचना जहां भी जाइए एक रचना प्रेम दा तो चाहे कि एक प्यारा सा रचना ओकरा बात फिर जैसा चाहे तो वैसा सुने भाई। अभी के जमाना में कि सच्चाई है कि झूठा है एक बात हम रखे चाहे अच्छा लगते तो थपड़ी बजा के आशीर्वाद दिए तो नहीं सभी कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे। कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। अभी तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती, पहले तो माँ के लोरी खिस्सा सुनते थे ना तो लोग सो जाते थे, है ना ये सच्चाई है। एक और सच्चाई बात है कि बुजुर्गों का बात कभी खाली नहीं जाती और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। पहले के जो बड़े बुजुर्ग बोल दिए हैं वो आज के जमाने में सच्चाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहना है कि बुजुर्गों की बात कभी खाली नहीं जाती और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर चार बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन अभी के जमाने में वही चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये सच्चाई होगा तो ताली बजा के आशीर्वाद दीजिएगा। और क्या सच्चाई हमारे जीवन में, देखिए एक प्रयास है छोटा सा कोशिश है। कि तेरे जीवन में खुशियां, देखिए हमारे जीवन में क्या सच्चाई है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। आइए ये प्यार सब दो लाइन उसके बाद फिर जो है ना फिर कुछ नहीं होने वाला तो कैसे कहेंगे
कि तेरे जीवन में खुशियां भैया पहला रचना है माता है जन्म दाता माता ही जग चलाए होता है जब सभी दिखाए भैया हो एकदम सुबह सुबह धीरे धीरे माता है जन्म दाता माता ही जग चलाए होता है जब अंधेरा मार रोशनी दिखाए सच्चाई है कि जब हमें कोई दिक्कत होता है जब हमें कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो जब हमें चोट लगती है तो पहला आवाज हमसे हमारे रूह से निकलती है माँ का ही आवाज कि माँ तो इसीलिए माता ही जन्मदाता है और हम कहीं फंस जाते हैं कोई दिक्कत में हो जाते हैं तो माँ ही हमको समस्या का समाधान बताती कि बेटा ये करो ये सही होगा और हम दुनिया का किसी का बात नहीं मानते और सिर्फ माँ का मानते हैं तो कैसे क्या भाव है। देखिए ये भजन में आप लोगों को झूमने का मन नहीं करेगा इसको आप गौर से सुनिए ध्यान से सुनिए बाकी तो झुमाएंगे जैसा कहेंगे वैसा लेकिन एक प्यारा सा माँ के लिए हम लोग तो दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं लेकिन माँ जो हमें जन्म दिया है तो माँ के लिए भी हम लोग सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। माता है जन्म दाता माता ही जग चलाए होता है जब अंधेरा मारो सभी दिखाए उपकार हम पे माँ का कैसे उतार जाए उपकार हम पे माँ का कैसे उतार जाए भैया कि उपकार हम पे माँ का कैसे उतारा जाए नौ महीना मुझको रखा मैया ने दुख उठाए मैया ने दुख उठाए माँ हमें कितना दुख दर्द से नौ महीने अपने पेट में पालती है और अभी के जमाने में हम लोग माँ को ही जो है सो नहीं समझते हैं माँ को कुछ नहीं समझते हैं हम लोग समझते हैं कि माँ जब हमारी शादी हो जाती है हमारे जिम्मेदारी आ जाती तो माँ को एकदम दरकिनार कर देते हैं माँ को या तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या तो माँ को अभी के जमाने में एक ऐसा रूम में उसको रख देते हैं जिसमें हम लोग को क्या है वो जानवर को भी जाने के लिए वहाँ ठीक नहीं लगता है वहाँ पर अपने माँ को शिफ्ट कर देते हैं ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि माँ ने हमें नौ महीने कितने तकलीफ दुख से कोख में रखा अपने पेट में रखा उसके बाद जन्म दिया पाल पोस के हम लोग को एक आइडिया एक बुद्धि एक समझाया और हम लोग को आगे बढ़ने का एक आशीर्वाद दिया तो कैसे कहेंगे नौ महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए उपकार हम पे माता हो उपकार हम पे माता कैसे उतार जाए उपकार हम पे माता कैसे उतार जाए मैया ने दुख उठाए मैया ने दुख उठाए
लास्ट पंक्तियां है, आप लोग गौर से सुनिएगा, लास्ट पंक्तियां है, उसके बाद जो अगले कलाकार आएंगे और कहेंगे कर सेवा माँ बाप को या राम आएगी हो ले ले माँ की दुआएं तेरे बाप आएगी हो तेरे जीवन में खुशियां सा माँ आएगी तेरे जीवन में खुशियां सा माँ आएगी। रनिंग में चलिएगा लास्ट भाव है, एक बार सभी को झूमते हुए कहेंगे अपने अपने माता पिता की और कहेंगे भोले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी तेरे माँ की सभी को गलती संती माफ करियो और जब रास्ता साफ करियो एक बार थपड़ी बजा के आशीर्वाद जरूर दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सजरवा जी।